हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूरज एंड वेलकम टू अवर चैनल अनस्टॉपेबल। तो जैसे कि हमारा जो पिछला वीडियो था वो था सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के जोन एलोकेशन के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमारा जोन एलोकेशन हुआ था उस बारे में हम लोग बात किए थे कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो उस वीडियो में हमने कहा था कि जो भी ज्वाइनिंग के रिलेटेड अपडेट होगा वो हम अपडेट करते रहेंगे यूट्यूब में, और आप लोगों को पता चलेगा कि ज्वाइनिंग कैसे होता है और प्रोसीजर कैसे रहता है। तो जब हमारा जोन एलोकेशन हो गया और हमें कोलकाता जोन मिला है, जैसे कि अगर आप मुझको फॉलो करते हैं यूट्यूब पे तो आपको पता ही होगा। तो जोन एलोकेशन हो जाने के बाद जिस जोन में आपका सिलेक्शन हुआ है उस जोन से आपको एक मेल आता है और एक आपको बाइक होता है, एक लेटर आता है। तो उस लेटर में क्या क्या होता है, जो आपका एटेस्टेशन फॉर्म होता है, मेडिकल का फॉर्मेट होता है, ये सब होता है, वो हम बाद में बताएंगे वीडियो में, आपको दिखाएंगे भी सब कुछ। तो ठीक है, तो अब देखते हैं लेटर जो था हमारा वो कैसा था और लेटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा मेडिकल और फिजिकल के बारे में, तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको ज़रूर कुछ नॉलेज मिलेगा। और अगर आप भी ये पोस्ट चाहते हैं इंस्पेक्टर वाला, तो आपको भी बाद में जब ज्वाइनिंग के टाइम में हेल्प होगा ज़रूर। तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए देखते हैं कि हमारा फिजिकल और डीबी का कॉल लेटर कैसा था और उसमें क्या क्या था। तो ये है वो कॉल लेटर जो फिजिकल और डीबी के लिए है और जो कि हमें कोलकाता जोन ने भेजा था 26 अगस्त को। जैसे कि पहले ही हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब आपका जोन एलोकेशन हो जाता है तो जोन आपको एक कॉल लेटर भेजता है फिजिकल और डीबी के लिए। कॉल लेटर है वो आपका एड्रेस में भेज दिया जाता है और जो ईमेल है जो कि आपका मेल एसएससी को दिया हुआ है उस मेल में आ जाता है। तो हमारा मेल थोड़ा लेट में आया, तो मेरा ये लेटर पहले आ गया, तो मैंने उस दिन घर पे नहीं था, तो मैंने जाके बाद में इसको लेके आया पोस्ट ऑफिस से। तो लाने के बाद एक्साइटमेंट तो होता ही है कि ये पहले लेटर आ रहा है आपको आपका डिपार्टमेंट से। तो फिर मैंने इसको ओपन किया और देखा कि अंदर क्या क्या है। तो अंदर जो है वो चार टाइप के डॉक्यूमेंट्स थे। सबसे पहला जो था वो आपका कॉल लेटर था, जिसमें आपका नाम, रोल नंबर, जो आपका रैंक, ऑल इंडिया रैंक, वो सब लिखा हुआ होता है, और आपका जो फिजिकल है और डीबी है वो किस डेट में है और कहाँ पर होगा ये सब लिखा हुआ होता है। एनेक्सर आता है, ठीक है, ध्यान से सुनना इधर, जो एनेक्सर 2, एनेक्सर 11 और एनेक्सर 7। एनेक्सर 2 और 11 जो है वो है मेडिकल के लिए, ठीक है। एनेक्सर 11 है आपका मेडिकल डिक्लेरेशन और एनेक्सर 2 है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, वो मैं बाद में दिखा दूंगा। और जो एनेक्सर 7 है वो होता है हमारा एटेस्टेशन फॉर्म, जिसमें हमको हमारा जो पूरा डिटेल्स होता है, नाम, एड्रेस, फादर्स नेम, फैमिली वगैरह, स्कूल, सब कुछ डिटेल्स वहाँ पे भरना होता है एटेस्टेशन फॉर्म में। वो तीन कॉपी करके आता है और ट्रिप्लिकेट में आता है, तो वो तीनों एटेस्टेशन फॉर्म सेम ही है, तीन कॉपी आता है, उसको हमको भरना पड़ता है। और कोई साइनिंग अथॉरिटी से वहाँ पे मेंशन किया होता है कि इससे आप साइन कर सकते हैं, उससे साइन करा के आपके जमा करना होता है। तो यही था, तो बस ये तीन और चार डॉक्यूमेंट ही था इसमें। तो चलिए अब आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। तो ये था हमारा कॉल लेटर जो कि फिजिकल टेस्ट और डीबी के लिए इधर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कोलकाता जोन सेंट्रल एक्साइज जीएसटी। और ये हमारा नेम, रोल नंबर इधर लिखा हुआ है कैटेगरी, और इधर सब्जेक्ट में है फिजिकल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर कोलकाता जोन सीजीएसटी। और ये इधर फिजिकल स्टैंडर्ड मेंशन किया है कि जो कि हमारा जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा उसका स्टैंडर्ड क्या है। इधर आप देख सकते हैं हाइट, चेस्ट और दिया हुआ है मेल और फीमेल की। और इधर चेस्ट है 81 सेंटीमीटर, जो कि आपको एक्सपेंड करना है 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और हाइट है 157.5, ये है हाइट जो कि फिजिकल रिक्वायरमेंट होता है सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर का। और इधर फिजिकल टेस्ट होता है जो कि वॉकिंग होता है 1600 मीटर इन 15 मिनट्स एंड साइकिलिंग 8 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। तो आगे आपको हम जब फिजिकल में जाएंगे तो फिजिकल के डिटेल्स में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वॉकिंग साइकिलिंग होता है और कैसे सब चीज़ें होता है, वो सब हम बाद में बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। ये इधर लिखा हुआ है हमारा जो डेट ऑफ फिजिकल टेस्ट था और वो टाइमिंग था 10:30 AM तक रिपोर्टिंग टाइम था। और जो वेन्यू था वो था सेंट्रल एक्साइज क्लब मैदान टेंट मोहन बगान, क्योंकि कोलकाता जोन का इधर ही फिजिकल टेस्ट होता है। तो इधर हमारा भी और इधर इसमें क्या लिखा हुआ है कि एनेक्सर 2 जो मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म है और एनेक्सर 11 ये आपको CMO या कोई डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हॉस्पिटल ऑफिसर या सिविल सर्जन से आपको साइन करवाना है और आपको अटैच करना है, ठीक है। और दूसरे पेज में इधर लिखा हुआ है कि एनेक्सर 7 में क्या क्या डिटेल्स आपको भरना है और आप किस किस अथॉरिटी से साइन करवा सकते हैं, ठीक है। और इधर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्या आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, डोमिसाइल है, नेशनलिटी है, कास्ट है, इसके लिए क्या क्या सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ये सब लिखा हुआ है। और वो मैं जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डिटेल्स दूंगा तब मैं बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको लगा और कैसे चीज़ें हैं तब बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो ये है एनेक्सर 2 जो कि हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है। इसको क्या करना पड़ता है, इसको हमको जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हमारा, उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर से साइन करवाना पड़ता है। तो वो साइन कराने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। तो
हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था हमने वहाँ पे ही साइन किया था, और इसको साइन कराने से पहले वो CMO, जब आप CMO ऑफिस में जाएंगे तो वो कुछ टेस्ट लिख के देगा आपको, ठीक है। तो कहीं कहीं पे ये होता है कि वो टेस्ट आप कहीं बाहर से भी करा सकते हैं और उसको रिपोर्ट आके जमा करके साइन करा सकते हैं, और आपको वो टेस्ट सारा टेस्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ही आपको टेस्ट करवाना पड़ता है, जैसे कि हम लोग को हॉस्पिटल में ही करवाना पड़ा। तो इसके लिए मेरा 2-3 दिन टाइम तो लगता है, 2-3 दिन टाइम लग गया था पूरा प्रोसेस कम्प्लीट होने में। तो वो टेस्ट में क्या क्या टेस्ट देते हैं चलिए देखते हैं। ये है Annexure 11, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैंडिडेट स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन। यहाँ पे आपका खुद का स्टेटमेंट है कि आपका नेम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका क्या क्या डिजीज़ वगैरह थे या नहीं, इधर लिखा हुआ है क्या क्या डिजीज़ है, ये डिजीज़ आपको थे या नहीं, ये आपको बस लिखना है येस और नो में। और जो है इधर आपको फैमिली डिटेल्स देना है कि आपका फादर और मदर का जो सिस्टर है ब्रदर है उसका एज क्या है। और फाइनली आपको इधर सिग्नेचर करना पड़ता है, और इधर आपको चीफ जो मेडिकल ऑफिसर है उससे साइन करवाना पड़ता है। बस ये दो फॉर्मेट आपको जमा करना पड़ता है CMO ऑफिस में, और वो आपको जो टेस्ट देगा वो टेस्ट करा के आप दे दीजिए, और वो ये फॉर्मेट भर के स्टैम्प लगा के साइन करके आपको दे देगा। बस यही प्रोसेस है। जब आप CMO ऑफिस में जाएंगे वो एक टिकट करा के देगा कि ये टेस्ट, जैसे कि मेरा इधर लिखा हुआ है INT चेस्ट, OPD ब्लड, ये सब टेस्ट वो लिख के देगा, और वो स्लिप लेके जाना है, और आपको वो जो आपका कॉल लेटर है वो लेके जाना है हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में पहले आपको इस तरह से एक टिकट करवाना है, तो ये टिकट करवा के आपको जाना है पहले आई सेक्शन में या ENT सेक्शन में। तो किसी भी सेक्शन में आपको जाके एंट्री करवाना है, डॉक्टर को दिखाना है, वो टेस्ट करेगा, फिर डॉक्टर लिखेगा कि फाइन है, जैसे कि इधर लिखा हुआ है कैंडिडेट इज फिट फॉर ऑप्थल्मोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ये मेरा आई का टेस्ट है, और इधर लिखा हुआ है 6x6 आई है, और कलर विजन है, विजुअल एक्टिविटीज 6x6, एंड कैंडिडेट्स कैन रीड ऑल द प्लेट्स ऑफ ECR चार्ट, वो स्टैम्प कर देगा इधर। ऐसे ही आपको INT चेस्ट सबका एक एक करके होगा, और फाइनली आपको ये जो पेज है ये पेज आपको जमा करना होगा CMO ऑफिस में, और CMO ये सब टेस्ट देख के कि डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट दिया है उसको देख के साइन कर देगा। चिंता की कोई बात नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम भी होता है हमारा, किसी माइनर प्रॉब्लम या किसी भी तरह टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो भी CMO, इधर का जो CMO है वो अच्छा है, और वो सभी को फिट कर देता है। तो मेडिकल को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है, बस आपको 2-3 दिन घूमना पड़ता है तो आपको मेडिकल हो जाता है। तो Annexure 2 और Annexure 11 आपका रेडी हो गया, ठीक है, जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट है और आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, और जो है एक वो है अटेस्टेशन फॉर्म, और जो कि है Annexure 7। चलिए आप उसको देखते हैं। तो ये है Annexure 7 और अटेस्टेशन फॉर्म, जैसे कि लिखा हुआ है। तो इधर आपको आपका फ़ोटो पेस्ट करना है, और इधर जो आपका नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट, जो आपका एड्रेस है वो देना है, ठीक है, और इधर आपको देना है कि लास्ट 5 ईयर में आप कहाँ कहाँ थे उसका एड्रेस देना है इधर, ठीक है। इधर आपका फैमिली का डिटेल्स भरना है, और यहाँ पे जो आपका सॉन है, डॉटर है, उसका डिटेल्स भरना है अगर है तो। इधर नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, ये सब लगेगा, ठीक है। आप कौन से रिलीजियन से बिलोंग करते हैं, आपका कास्ट क्या है, आपका स्कूल क्या क्या था, आप स्कूल में जो डेट ऑफ लिविंग है वो, जो डेट ऑफ लिविंग है इधर वो होता है हमारा जो जो माध्यमिक, मतलब सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट है उसका जो डेट है वही डेट इधर आ जाता है। तो ऐसे करके हमको ये अटेस्टेशन फॉर्म भर के इधर, तो इस अटेस्टेशन फॉर्म को हमको भर के अटेस्टेट करना पड़ता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप किससे किससे अटेस्टेशन करवा सकते हैं। तो मैंने तो हमारा हेडमास्टर ऑफ रिकॉग्नाइज स्कूल लिखा हुआ है इधर, तो मैंने हमारा स्कूल का हेडमास्टर से ही करवा लिया था, तो वो चल गया मेरा। तो इधर है सिग्नेचर, डेजिग्नेशन। तो ऐसे करके आपका अटेस्टेशन फॉर्म रेडी हो जाएगा, और ये 3 कॉपी में होता है, तो 3 कॉपी आपको रेडी करना है और साइन करवाना है। तो आपका अटेस्टेशन फॉर्म रेडी हो गया, Annexure 2 और Annexure 11 रेडी हो गया। तो मतलब आपको जो डॉक्यूमेंट्स भेजा गया था, इस जो कॉल लेटर है DV और फिजिकल के लिए, वो आपका रेडी हो गया। तो चलिए आप जाते हैं फिजिकल के दिन और DV के दिन। तो ये था हमारा कॉल लेटर फिजिकल और DV का, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और ज़रूर ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए इस वीडियो में इतना ही, और जो फिजिकल और DV है वो अगले वीडियो में आ रहा है Part 2 में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल और DV के डिटेल्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और आपको सारा चीज़ पता चलेगा कि कैसे फिजिकल होता है, कैसे DV होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। और आपको पता है 2022 CGL का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, और उसका पैटर्न में थोड़ा चेंज है, कुछ डरने की बात नहीं है, वैसे ही रहेगा एग्जाम। मैं भी कोशिश करूँगा एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने की। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।